अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम मौजूद हैं भावलपुर जंक्शन पे, और आपको दिखने में लग रहा होगा कि मैं रेलवे स्टेशन आया ठहरा हूँ, क्योंकि ये ट्रेन है और हम इसके अंदर अभी सवार हो जाएंगे तो हो सकता है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। कमिश्नर भावलपुर का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब कि भावलपुर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये पहला कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक ट्रेन में एक होटल बनाया गया है। तो किस तरह से यहाँ पे खाना मिलता है, कैसे यहाँ पे कुकिंग होती है, ये हम सदाकत भाई को भी साथ इंटरफेयर रखेंगे क्योंकि चैनल ही इनका है। मैं तो वैसे ही आ गया हूँ इनके चैनल में, तो इनकी ये मोहब्बत है। और बाकी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? ये वाकई जो है वो एक न्यू चीज़ है भावलपुर में, आपने इससे पहले जो है वो कभी कहीं नहीं देखी होगी। तो आज हम आपको दिखाते हैं इनका रेस्टोरेंट का माहौल कैसा है, और ये जो ट्रेन में रेस्टोरेंट बनाया गया है वो कैसा है, तो इनके खाने का मियार कैसा है, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो उम्मीद है चलेंगी, दिखाने से पता चलेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल दिखाते हैं। ये किचन एरिया है, किचन को भी टिकट घर की तरह बनाया गया है। यहाँ टिकट नहीं बल्कि खाना पकाया जाता है। यहाँ पर लोगों का रश आप देख सकते हैं, अभी इसकी चंद दिन पहले ही ओपनिंग हुई है। ये चिकन स्पेशल कढ़ाई जो के क्रीम और उम्दा मसालों से तैयार की जा रही है, और साथ ही लाइव बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं जिसमें जंक्शन स्पेशल कबाब और कस्तूरी बोटी तैयार की जा रही है, जो के देखने में ही काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। जब तक खाना तैयार हो रहा है, मैं आपको बहावलपुर फरीद गेट पर ही मिनी रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ, जिसको बहावलपुर जंक्शन का नाम देकर एक खूबसूरत होटल बनाया गया है। दूर से ऐसा लगता है जैसे आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। अब आपको ट्रेन के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। पहले तो ये देखें, ये स्टेशन मास्टर हैं जिसकी यूनिफॉर्म से आपको लग रहा होगा कि ये अंदर जाने से पहले टिकट चेक करने के लिए खड़े हैं, लेकिन नहीं, ये आपका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। अंदर की तो क्या ही बात है, ट्रेन को मद्देनज़र रख कर ही इसको अंदर से डेकोरेट किया गया है। बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल और ट्रेन वाली ही सीट्स हैं। यहाँ आप बैठकर कहीं जा नहीं सकते बल्कि खाना खा सकते हैं। मज़े की बात यह भी है कि 10 से 15 मिनट के बाद आपको ट्रेन वाला हॉर्न भी सुनने को मिलेगा, और साथ ही आप ट्रेन को वाइब्रेट करता भी महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि ट्रेन चल रही है। अब लाइट्स ओपन कर दी गई हैं जिससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया है, आप देख सकते हैं। आई लव बहावलपुर, माशाल्लाह, मेरा शहर बहावलपुर पहले ही बहुत खूबसूरत है। कमिश्नर साहब की मेहनत ने इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। बाकी एरिए में भी शॉप्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पार्किंग भी फ्री है। हमारा खाना आ चुका है और शरोज साहब आपको आज खाने का रिव्यू देंगे। अच्छा, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे जो वेटर्स का एक ड्रेस कोड है ना, वो कुली से मुशाबत रखता है, बल्कि इन्होंने कुली का ड्रेस ही पहना हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास खाना आ चुका है, और इस वक्त हमारे पास ये इनका जंक्शन स्पेशल कबाब है, और साथ में हमने ये ऑर्डर किया है कचुमर सैलड के साथ ही हमारे पास कस्तूरी बोटी है, क्योंकि हम बंदे थोड़े ज़्यादा थे इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें की हैं ताकि सब खा सकें। और ये इनके स्पेशल जंक्शन राइस हैं, ऊपर टॉपिंग की हुई है इस ड्राई फ्रूट्स की। बाकी यहाँ का जो मेन मज़ा है ना, वो फूड से ज़्यादा मुझे तो जो लग रहा है इधर की प्लेस का है। एक तो इन्होंने ट्रेन खड़ी कर दी है यहाँ ला के, जो कि कोई सोचे भी तो नामुमकिन से बात लगती है। बाकी ये फ्रीड गेट के साथ ही है लोकेशन, आप अगर आना चाहें तो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पे बैठ के ना सिर्फ आप फूड इन्जॉय कर सकते हैं बल्कि आती जाती आवाम को भी इन्जॉय कर सकते हैं, और ओपन में ऐसी जगहें बहावलपुर में कम ही देखने को मिलती हैं। तो आ जाएं जी, फूड इन्जॉय करते हैं। अच्छा जी, हम टेस्ट करने लगे हैं। जंक्शन स्पेशल कबाब है और ये साथ में सॉस है, और अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं। कमाल है। अच्छा टेस्ट है। बाकी कस्तूरी बोटी को भी टेस्ट करते हैं। बाकी सच में जो इनका कबाब है वो मज़ेदार है, बेहतरीन कबाब में ना, जैसे वो चने की दाल नहीं होती, थोड़ा सा वो थोड़ा सा आ रहा है, जैसे कोई चीज़ इस तरह क्रंच हो रही हो, इससे जो है वो टेस्ट जो है वो भी मज़े का लग रहा है। कमाल, कबाब से ज़्यादा मुझे कस्तूरी बोटी अच्छी लगी है। बाकी हर बंदे का अपना टेस्ट है। अगर राइस की बात करें तो इनके स्पेशल जो राइस हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं। हमारे साथ बैठे हैं जी बिलाल बलोच साहब, हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें जो है वो राइस कैसे लगे हैं, आए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
ये होटल जो फ्रीज गेट के साथ बना है माशाल्लाह, इसका खाने के जायके में, इनके टेस्ट में, सफाई सुथराई में, इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी लेवल का है, काफ़ी स्टेटस का है और अच्छा टेस्ट है। मैं इससे इंतज़ामिया को और इनके कुक जान को अप्रिशिएट करूँगा कि वो उन्होंने इस टेस्ट को अच्छी तरह मेहनत करके बनाते हैं और इनसे गुजारिश है किसी तरह का टेस्ट उम्मीद है कि कायम रखेंगे। तो आए हम शरोज भाई से पूछते हैं कि इन्हें कैसे लगे हैं। मैं यार खा रहा था, आप डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब कि जो हम बाकी जगह पे ऑर्डर करते हैं वहाँ पे ये थोड़ी टॉपिंग कम होती है इसकी, ड्राई फ्रूट्स की, लेकिन इसमें ज़्यादा थी और मुझे ये पसंद है इसलिए करके मुझे ये अच्छे लगे हैं। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। सुदेव भाई आप बताएं आपको कैसे लगे। बात ये है कि जो बंदा खाता है ना पता फिर ही चलता है। आप आएँ और इसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैंने इनकी ग्रेवी अभी थोड़ी सी टेस्ट की है क्योंकि पहले निवाला था तो अच्छा था, स्पाइसी नहीं है। पता नहीं शायद उन्होंने वीडियो की वजह से ऐसा बनाया या उनका लेवल ही है, लेकिन कढ़ाई इनकी अच्छी है। और पहले हमने वो दूसरी ऑर्डर की थी शनवारी, है ना, शनवारी की थी तो उसकी जगह फिर हमने ये ऑर्डर कर दी क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है, हर बंदा ग्रेवी ज़्यादा डिमांड करता है। तो अच्छी है, दिखने में भी जैसे लग रही है वैसे खाने में भी अच्छी है, तो अच्छा था ओवरऑल। इसका मेन्यू भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जिस पर नंबर भी दिया गया है और होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है।